ब्रॉड मोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राघव और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डिटेलिंग वीडियो जो कि पेंटिंग से थोड़ा अलग होने वाला है। और जो गाड़ी आज हम करने वाले हैं वो होने वाली है मर्सिडीज C200। तो ये गाड़ी ऑलरेडी पहले रीपेंटेड है और इतना अच्छा क्वालिटी का काम इसमें नहीं किया गया है। पेंट काफ़ी सॉफ्ट है तो बहुत आराम से इस गाड़ी पे स्क्रैचेस आते हैं। और कस्टमर जब ये गाड़ी हमारे पास लेकर आए तो गाड़ी पे बहुत ही ज़्यादा सोल मार्क्स थे, तो हमने कस्टमर को सजेस्ट किया कि वो गाड़ी को रीपेंट करे, बट क्योंकि उनका बजट नहीं था या वो करना नहीं चाहते थे, उस वजह से उन्होंने सोचा कि इसी को रिजुवनेट करते हैं, इस पर रबिंग पॉलिशिंग करके सेरामिक कोटिंग करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे और साथ ही साथ इस काम को करने का कॉस्टिंग कितना लगा है वो भी आपको बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कॉमेंट सेक्शन में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारा काम कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय Cars24। अब आप Cars24 पे अपनी गाड़ी बेचने के अलावा यूज कार खरीद भी सकते हैं। Cars24 पे आपको अंडर 140 प्लस पैरामीटर्स पे टेस्ट किए हुए हाई क्वालिटी रिफर्बिश कार्स मिलते हैं। आपको गाड़ी बेस्ट प्राइस पर भी मिलती है बिकॉज Cars24 इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जो पैसा वो रेंटल्स एंड सेल स्टाफ में बचाते हैं वो एज अ बायर आपको पास ऑन किया जाता है। Cars24 कार्स का फाइनेंसिंग ऑप्शन भी ऑफर करता है, गाड़ी आपके घर पर डिलीवर होती है और अगर 7 दिन के अंदर आपको गाड़ी पसंद नहीं आती तो आप गाड़ी रिटर्न भी कर सकते हैं। आप Cars24 की वेबसाइट पर विजिट करके हजारों ऑप्शंस में से कार चूज भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी यूज कार खरीदना चाहते हैं तो आज ही Cars24.com पे विजिट कीजिए और घर ले आइए अपनी न्यू यूज कार। गाड़ी जब पुरानी हो जाती है और पेंट बहुत डल होने लगता है, उस पर स्क्रैचेज आने लगते हैं, तो उसको रिस्टोर करने के दोनों तरीके हैं, चाहे आप उसको रीपेंट कराएं या फिर आप उसको डिटेल रबिंग पॉलिशिंग करा के उसका ग्लॉस रिस्टोर करें। अब इस पर्टिकुलर केस में हमने कस्टमर को ऑल्दो सजेस्ट किया कि आप पेंटिंग कराएं, क्योंकि पहले किया हुआ काम जो था वो उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं था और गाड़ी की कंडीशन जो थी उसमें काफ़ी डेंस भी थे, छोटी छोटी जगहों पर गैशेज भी थे, कई जगहों से क्लियर कोट फट भी रहा था। तो यहाँ पे एक वाइबल ऑप्शन था गाड़ी को पेंट कराना, बट क्योंकि कस्टमर का बजट नहीं था और उनकी रिक्वायरमेंट भी पेंटिंग नहीं थी और वो अपनी गाड़ी से बेस्ट चाहते थे, तो हमने उनको फिर डिटेलिंग का ऑप्शन दिया और पेंट करेक्शन का ऑप्शन दिया। तो कस्टमर ने इस पर्टिकुलर पैकेज के ऊपर 9H हार्डनेस का सिरामिक कोटिंग का पैकेज सिलेक्ट किया। तो इस पैकेज में हम गाड़ी को अच्छे से वॉश करते हैं, गाड़ी के पेंटेड सर्फेस को डीकंटामिनेट करते हैं क्ले के थ्रू, पूरी गाड़ी पर 2-स्टेप मशीन पॉलिशिंग होता है जिससे उसका ग्लॉस रिस्टोर किया जाता है, साथ ही साथ इसमें जितने भी हार्ड वाटर स्केलिंग होती है उसको रिमूव किया जाता है, इंजन बे को डिटेल किया जाता है, व्हील को डिटेल किया जाता है, साथ ही साथ इंटीरियर वैक्यूमिंग भी इस पैकेज का एक पार्ट है। ये सारा काम हो जाने के बाद जब आपकी गाड़ी एक प्रेजेंटेबल कंडीशन में आ जाती है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उसके ऊपर वैक्स या सेरामिक कोटिंग या ग्राफीन कोटिंग में से कोई ऑप्शन चूज करें। अब हमने यहाँ पे कस्टमर को सजेस्ट किया कि क्योंकि गाड़ी की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो आप उसके ऊपर 10H हार्डनेस या डबल कोट ऑफ 9H हार्डनेस ना कराएं और जो हमारा बेस पैकेज है जिसको हम रूबी पैकेज बोलते हैं, 9H हार्डनेस का सिंगल बेस कोट और उसके ऊपर टॉप कोट, तो हमने कस्टमर को सजेस्ट किया कि आप वो पैकेज कराएं और कस्टमर ने उसी को फाइनलाइज किया। तो इस पूरे डिटेलिंग का और जो एंड में कोटिंग लगी है ये पूरा मिलके जो एक पैकेज बनता है उसका कॉस्टिंग फॉर दिस कार पर्टिकुलरली गोज टू 22,000 रुपीज, दिस इज इंक्लूडिंग GST। और यहीं पे अगर आप दूसरी कोई कोटिंग चूज करते या फिर हमारा 10H पैकेज चूज करते तो वो 33,000-34,000 से लेके 42,000-43,000 भी जा सकता है। नाउ इसके पीछे का जो काम रहता है वो सारा सेम है, डिटेलिंग का और पेंट करेक्शन का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, बट पर एंड में आप कौन सी कोटिंग उस पेंट के ऊपर लगा रहे हैं उससे ये प्राइजेस डिफर करते हैं। यहीं पे एक चीपर ऑप्शन है जहाँ पे आप वैक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके पीछे का प्रोसेस अगेन पूरा सेम है, बट क्योंकि उसके ऊपर सेरामिक कोटिंग के बजाय सेरामिक वैक्स आता है तो आपको सीधा वो पैकेज जो है 11,000 रुपीज में मिलता है फॉर दिस कार। यहीं पे अगर आप छोटी गाड़ी की बात करेंगे जैसे स्विफ्ट हो गई या कोई सेडान हो गई जैसे रैपिड हो गई, तो हमारे स्टार्टिंग पैकेजेस 7,000 रुपीज़ से हैं जो सेरामिक वैक्स पैकेज है, और 9H हार्डनेस के सेरामिक कोटिंग पैकेजेस 16,000 रुपीज़ ऑनवर्ड्स हैं।
तो अगर आप भी अपनी गाड़ी पे कोई भी सरामिक कोटिंग या सरामिक वैक्स पैकेज कराना चाहते हैं तो आप हमसे अपनी गाड़ी की डिटेल शेयर करिए और हम आपको उसका एग्जैक्ट कॉस्टिंग्स और डिफरेंट पैकेजेस की लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। गाड़ी पे सारा काम हो जाने के बाद अब हम बिफोर एंड आफ्टर के बीच में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इस गाड़ी में कितना फ़र्क आया है। नाउ मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत से स्क्रैचेस और बहुत से गैशेज जो हैं वो नहीं हटे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो भी डैमेज हुआ है वो पेंट के बहुत अंदर जा चुका है, पेंट वहाँ से ख़राब हो चुका है, तो उसको ठीक करने का एक ही ऑप्शन था और वो था रीपेंटिंग। बट क्योंकि कस्टमर यहाँ पे रीपेंटिंग नहीं कराना चाहते थे तो हमारा यहाँ पे जॉब बनता है कि उनको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिफोर और आफ्टर के बीच में एक कंपैरिजन देखते हैं और देखते हैं इस गाड़ी पर रिजल्ट्स कैसे आए हैं।